तो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज आपको जानकारी देने वाला हूं मेडिकल प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कि आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो देखिए भाई, काफ़ी साथी है जो वेट कर रहे हैं कि सर हमारे पास कॉल नहीं आई है, ये नहीं आया। मेरे पास सभी की कॉल आ रही है कि सर हमारे पास अभी तक ना ही मेडिकल के रिगार्डिंग कॉल आई है, ना ही डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा वेट कीजिए और साथ में वन बाय वन आपको बता देता हूं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कभी फिर बाद में आप ये कहो कि सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। तो देख लीजिए। तो देखिए भाई, एक तो आपको चाहिए भाई डॉक्यूमेंट्स में, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने लगा रखी है, 10th आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स में लगाई थी ना, वो चाहिए भाई। ओके, दूसरा आपका हरियाणा डोमिसाइल चाहिए, अभी का हो, पुराना हो, जो भी आपने लगाया था उस समय वो, बट आपके पास हरियाणा डोमिसाइल होना जरूरी है। अदर स्टेट वालों का तो भाई इसमें कोई मैटर ही नहीं है। कैटेगरी की बात करें तो EWS, BCA, BCB, SC कैटेगरी, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास नो जॉब का सर्टिफिकेट है जो आपने उस टाइम करवाया था, वो एक्सपीरियंस लेटर, एक्सपीरियंस अगर आपको नंबर मिले हैं, सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स से रिलेटेड जो भी आपका है वो, और PPP परिवार पहचान पत्र, ठीक है। वैसे इसमें सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भाई साथ में जरूर लेकर जाना। ओके, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो भाई। इसके अलावा आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म में फिलअप किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। एक प्रिंट निकाल लेना भाई, प्रिंट होगा सभी के पास, नहीं होगा तो भाई फिर कुछ ना कुछ और अल्टरनेट देखेंगे। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था ना, उसका प्रिंट। अब काफ़ी साथी कहेंगे सर हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि उसका कुछ जो भी अल्टरनेट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, और बाकी आपका जो HSSC जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ आपका फॉर्म भी पहुँच जाता है। तो ये सारे जो थे आपके डॉक्यूमेंट्स, अब बात आ जाती है मेडिकल की। मेडिकल का ये भी बताऊँगा कितनी फ़ीस है, कितनी क्या कुछ है, वो भी बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। कोई इसके अलावा कोई इंक्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इससे आगे चलते हैं भाई मेडिकल की प्रोसेस पर। मेडिकल में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले भाई आपकी 220 रुपये की एक स्लिप कटेगी। वो भी कैसे कटेगी, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, मतलब अभी नोटिस आ जाएगा। देखिए पहले आपको बता दूं, नोटिस आ जाएगा जहां पर भी आपका मेडिकल होने वाला है, जहां पर भी आपका मेडिकल होने वाला है। मान लीजिए आप कहीं भी आपको अगर अपॉइंटमेंट मिलती है, या फिर CS डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज बोल सकता है सभी को, क्योंकि वो है ना कॉमन कैटर, अभी उसी पर बात चल रही है कि क्या कुछ रहने वाला है, उसका नोटिस आ जाएगा। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कर रखा है, यहाँ से आपको पता चलेगा। DG हेल्थ की तरफ से है, ठीक है, ऑल सिविल सर्जन्स ऑफ द स्टेट, 10,997 पार्ट पोस्ट है ग्रुप डी की, इन सभी का मेडिकली एग्जाम होगा भाई, ठीक है। देश कैंडिडेट्स फॉर फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस एंड व्हेन ही और सी अपीयर्स बिफोर द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड, ये पता है सभी को, 8, 9, 10 का होगा। और किसी को भी कंडक्टिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन नॉट टू बी रिफ्यूज्ड, कोई भी मना नहीं कर सकता, चाहे आप किसी अलग अदर डिस्ट्रिक्ट से हो, अदर स्टेट से हो, तो आपका आराम से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में चाहो आपका हो सकता है भाई मेडिकल, ऐसा कोई इशू नहीं है। इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड दैट ड्यू टू हाई नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, एडिक्वेट अरेंजमेंट बी मेड इन यू रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट फॉर कैरिंग आउट द मेडिकल एग्जामिनेशन विदाउट एनी हिंड्रेंस, इट टॉप प्रायोरिटी। तो सभी के लिए है ये, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है, अदर स्टेट के हो तो भी आप मेडिकल करवा सकते हो, जो इसके अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक तो ये तो हो गया भाई आपका मेडिकल से रिलेटेड, ये मैंने मेडिकल का बता दिया आपको। अब बताता हूँ ज्वाइनिंग का भी, साथ में ही सारे प्रोसेस बता रहा हूँ, ये भी बताऊँगा मेडिकल में होगा क्या क्या। अब एक बार ये नोटिस देखो जो कल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, 8 और 9 को संस्थान खुले रहने के लिए ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया। तो आपको ध्यान हो सभी डिपार्टमेंट में ये आ चुका है, 8, 9 और 10 को, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, जहाँ पर भी ग्रुप डी के कर्मचारी ज्वाइनिंग करने वाले हैं। मेरी इनसे बात हुई तो मुझे पता लगा कि अब किसी जगह पर नंबर सबको पता है कि कहाँ पर कितने ग्रुप डी वाले आने वाले हैं, अलॉट होगा उनको। तो हुआ क्या है, आज सारा स्टाफ वही है भाई, जिस स्टाफ की नीड है स्टाफ वही है, तो मतलब आपकी ज्वाइनिंग साथ में ही करवाएंगे, मेडिकल का प्रोसेस करवाकर आज कल और परसों में सारा काम निपटवा देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग साथ करवाएंगे, ये ज्वाइनिंग साथ में ही करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेडिकल करवाया ज्वाइनिंग करवाई अपना टेंशन फ्री रहो, ऐसा नहीं है कि कोई नया केस कर दे आप पर। स्पेशली ये रीज़न है ना 3 छुट्टी वाले दिन, इसीलिए किया गया कि ऐसा ना हो कोई इसके ऊपर स्टे लेकर बैठ जाए,
जो मेरा मानना है, ठीक है। अब करते मेडिकल की बात। मेडिकल में भाई आपकी 220 रुपीज़ की एक स्लिप कटेगी, जैसे ही जब आपको मेडिकल के लिए बोला जाएगा ना, 220 रुपीज़ की स्लिप कटेगी। और जिस भी CMO के पास, मतलब CMO सिविल सर्जन जहाँ भी बैठे हैं ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट, मैं यहाँ की बता देता हूँ, नरवाना हो, सफ़ीद हो, कोई भी हो, जहाँ पर CMO बैठते हैं वहाँ से आपका जो है मेडिकल होगा। तो ईयर, नोज, थ्रोट, आई टेस्ट, थ्रोट, ये सब कुछ होगा भाई आपका, टीथ, ये सारे टेस्ट होंगे, ठीक है। आई टेस्ट आपको पता है भाई, इतना कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला, इनमें से किसी में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक आपको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी ना हो, एक तो ये होंगे। उसके बाद आपको किसी को भी डरने की नीड नहीं है भाई, कोई भी, बिल्कुल सिंपल है सारी चीज़ें। ECG होगा, BP होगा। BP देखिए, BP उन लोगों का हमेशा कम ज़्यादा होता है भाई, जिनको उस समय पर ये रहता है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, आराम से अपना ECG करवाना, आराम से BP, ज़्यादा टेंशन मत लेना। सारी प्रोसेस इसीलिए बता रहा हूँ कि बाद में ये रहता है कि कभी मेरी जॉब चली जाए, मेरी नौकरी रह जाए, मेडिकल के चक्कर में रह जाए, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। आराम से करवाना अपना मेडिकल। ब्लड टेस्ट भाई, ठीक है, ब्लड टेस्ट होगा नॉर्मल से आपका, HIV वगैरह ये टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप चेक हो जाएगा इसमें, कुछ और टेस्ट होते हैं वो सारे इसी में, एक ही में आपके हो जाएंगे। उसके बाद एक्सरे होता है भाई आपका हड्डियों का, सीधी सी बात है, वो इसीलिए होता है कि ऐसा ना हो कहीं चोट खा रखी है आपने, कहीं चोट वगैरह खा रखी है आपने और उसकी वजह से हड्डियाँ ज़्यादा टूटी फूटी हुई है या कुछ ऐसा हो जिसको अभी प्रॉब्लम हो। यूरिन टेस्ट भाई, ठीक है। उसके अलावा कोई परमानेंट इन्फेक्शन तो नहीं है पाइल्स का, ये आपसे नॉर्मल पूछ लेंगे, ये आपसे पूछे जाएंगे। ये जैसे ऐसी चीज़ें ना, कोई ऐसा डिजीज़ जो आपको क्रोनिक डिजीज़ ना हो, कोई मतलब बहुत पहले से कोई बीमारी ना हो, शुगर टेस्ट भी हो जाएगा आपका कि शुगर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। सिर्फ ये सिंपल जो है, सिंपल आपका मेडिकल होने वाला है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना भाई जो ज़रूरी है, अगर आपके ना उसमें देखिए आपका जो फॉर्म मिलेगा उसमें ऑप्शंस होंगे, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होंगी आपको। जब पता चले ना कि मान लीजिए एक डॉक्टर है कोई, उनके पास बहुत लंबी लाइन लगी है, आप उनका वेट मत कीजिए, आप नेक्स्ट डॉक्टर का काम जो है वो करवा लीजिए, नेक्स्ट डॉक्टर का काम करवा लेना, ठीक है, जो उनसे नेक्स्ट है उनसे करवा लेना। मतलब आपको ये वेट नहीं करना कि पहले इन्हीं से करवाना, नहीं भाई, और भी तो है, पहले उनसे करवा लो। अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप दूसरों से करवा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक आईज़ के है उस समय वो काम पर है, ठीक है, नोज के है, थ्रोट के है, दूसरे, तो उनसे करवा लीजिए आप, एक्सरे वाला काम करवा लीजिए, मतलब अपना काम पूरा रखिए आप। ऐसा नहीं है किसी एक ही जगह रुक जाओ, ये मैं बता रहा हूँ जो पिछली बार ग्रुप डी का हुआ था जिनका, उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उन्होंने यही किया था तभी जाकर उनकी प्रोसेस जल्दी हो पाई थी। तो मैंने आपको ऑप्शन सारी चीज़ें बता दी है, इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने ट्राई किया है कि आपको सारी नॉलेज दे दी जाए, अगर कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में जो साथी एक्सपीरियंस्ड है वो भी बता सकते हैं, ओके। सिंपल सी प्रोसेस है, 8-9-10-3 दिन में, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सारा काम होगा आपका। अभी तक भी नोटिस नहीं आया तो आ जाएगा, आपको पता है रात को भी नोटिस आते हैं इनके, ये ज्वाइनिंग रात को 2-2 बजे करवाते हैं भाई, मैं आपको बता दूँ 2 से 3 बजे तक मैंने ज्वाइनिंग खुद मुझे पता है अभी हुई थी DHBVN में, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में, ओके। तो टेंशन फ्री रहिए, जब आपका लिस्ट में नाम आ चुका है सारे काम भी होंगे, ज्वाइनिंग तक का सारा काम आपका होगा, डोंट वरी, अंडर प्रोसेस है सारी चीज़ें। आप ये देखिए आपके साथ है ना बहुत सारे लोग, मतलब सारा स्टाफ बैठा है, अभी सारा स्टाफ आप लोगों के इंतजार में बैठा है कि नोटिस आएगा फिर आपका काम करवाएंगे आगे का। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक में शेयर करें, टेलीग्राम Ankit72, इंस्टाग्राम Ankit72, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।